हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। आईपीएल 2024 खत्म हो चुका है और अब सभी भारतीय क्रिकेट फैंस को इंतजार है वर्ल्ड कप का। लेकिन चूंकि आईपीएल हाल ही में खत्म हुई है, ऐसे में आईपीएल को ऐसे ही नहीं जाने देते हैं और आईपीएल 2024 के कुछ ऐसी यादों को आपके बीच साझा करते हैं जो कि इंटरनेट पर चर्चा का विषय रहा है। कुछ ऐसी बड़ी यादें, कुछ ऐसी बड़ी कंट्रोवर्सी जो कि इस पूरे आईपीएल सीजन बड़ी बातें चली है जिसे लेकर के, चाहे वो मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की कॉन्ट्रोवर्सी हो, चाहे वो केएल राहुल की टीम जो कि लखनऊ सुपर जॉइंट्स के टीम के मालिक संजय गोयनका के बीच का विवाद हो, या हो शाहरुख खान से जुड़ी खबर, या फिर 17 महीने बाद टीम में वापसी कर रहे ऋषभ पंत के बारे में बातें हो, या थाला के बारे में बातें हो, जानेंगे 2024 से जुड़ी हर आईपीएल की खबरों के बारे में। बहुत आप जानते होंगे, कुछ यादें धुंधली भी हो चुकी होगी, तो चलिए इन धुंधली यादों को साफ करते हैं और आईपीएल 2024 के कुछ बड़े न्यूज़ के बारे में जानते हैं जिन्होंने इंटरनेट का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेकिन इससे पहले हम टीमों के बारे में बात कर लेते हैं। बता दें कि जैसा कि आपको पता ही है कि इस सीजन 10 टीमें एक दूसरे से आईपीएल में भिड़ती हुई नजर आई थी, लेकिन हमेशा की तरह जो फैंस को उम्मीद थी कि चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस ये टीमें जो है सो बड़ी फेवरेट रहने वाली है प्लेऑफ में जाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जिससे उम्मीद नहीं थी लोगों को, वह टीम ने कमाल करके दिखाया। सबसे पहले बात कर ली जाए चैंपियन टीम केकेआर की। बता दें कि केकेआर ने इस सीजन में बेहतर प्रदर्शन किया है, चाहे गेंदबाज हो इसके, चाहे बल्लेबाज हो, चाहे ऑलराउंडर हो, हर एक खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया और शुरुआत से नंबर एक की पोजीशन हासिल की और लगातार जीतते गए और ऐसा जीता कि चैंपियंस ही बन गए। इस दौरान केकेआर के गेंदबाज मिचेल स्टार्क को लेकर बड़ी बातें चली कि स्टार्क को इतने महंगे में खरीदा गया, लेकिन स्टार्क वैसे चल नहीं रही है और बड़े रन लुटाते हुए देखे जा रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच पर ही चलता है। ठीक, स्टार्क ने ऐसा ही करके दिखाया और आपको बता दें कि प्लेऑफ के दोनों मुकाबले में स्टार्क ने अच्छी गेंदबाजी की और एक बड़ा ब्रेक थ्रू हर बार टीम को दिलाया और दोनों प्लेऑफ मुकाबले स्टार्क के दम पर, यूं कहें कि स्टार्क का बड़ा रोल रहा दोनों प्लेऑफ मुकाबले में केकेआर को जीतने में। सुनील नारायण, उनका क्या ही कहना, सुनील नारायण बल्ले से, गेंदबाजी से, दोनों से अच्छे प्रदर्शन साबित करते हुए देखे गए। वरुण चक्रवर्ती इस सीजन बहुत बेहतर लय में थे, लगातार विकेट चटकाते हुए देखे गए। इसके अलावा फिल सॉल्ट, जो कि हालांकि प्लेऑफ के मुकाबले नहीं खेल पाए, अपने स्वदेश वापस लौट चुके थे और उनका अच्छा रिप्लेस किया गुरबाज ने फाइनल में अच्छी पारी खेली। इसके अलावा दो नए गेंदबाजों और एक नए बल्लेबाजों को कैसे भूल सकते हैं, वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा ने क्या कमाल का प्रदर्शन केकेआर की तरफ से करके दिखाया। वहीं अंकित रघुवंशी की बल्लेबाजी तो देखने लायक ही बनती थी। यूं कहें तो मोटा मोटी केकेआर का प्रदर्शन इस सीजन में बेहतर रहा, काफी अच्छा रहा और वही दम पर केकेआर ने यह मुकाबला भी अपने नाम कर लिया और ट्रॉफी एक बार फिर अपने नाम किया और तीसरी बार ट्रॉफी जीत ली है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स के बारे में। राजस्थान रॉयल्स शुरुआत में बहुत अच्छी दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि नंबर वन और टू पोजीशन राजस्थान रॉयल्स के लिए है, लेकिन उसके बाद लगातार राजस्थान रॉयल्स मैचें हारती गई, लगातार 6 मुकाबले शायद हारी थी। नतीजा ऐसा हुआ कि राजस्थान रॉयल्स तीसरे नंबर पर रही, एलिमिनेटर मुकाबला तो जीत गई लेकिन फिर क्वालिफायर 2 मुकाबला हार गई, यानी कि फाइनल तक भी राजस्थान रॉयल्स नहीं पहुंच पाई, वह टीम जो कि लग रहा था कि इस सीजन बड़ा फेवरेट है खिताब जीतने को लेकर के। बात कर लेते हैं अगर सनराइज़र्स हैदराबाद की, तो आपको बता दें कि सनराइज़र्स हैदराबाद के लिए थोड़ा खट्टा मीठा रहा, कई मुकाबले हारे कई मुकाबले जीते, लेकिन जिस तरह से सनराइज़र्स हैदराबाद ने यह मुकाबला खेला है, आईपीएल में खेल करके दिखाया है, एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि इस तरह से मुकाबले खेले जाते हैं, लगातार एक से बढ़ के एक जो है सो हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ते गए, यहाँ तक कि 288 रन पूरी टीम ने बना डाला आरसीबी के खिलाफ इस सीजन। लेकिन एक बड़ी बात रही कि यह टीम प्लेऑफ तक भी पहुंची और खास करके फाइनल तक भी पहुंची, लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ी बात रही कि दो सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, दोनों की बल्लेबाजी पूरे लीग मैच में अच्छी रही, लेकिन जब बात प्लेऑफ की रही तो दोनों फ्लॉप रहे। यही कारण भी रहा कि प्लेऑफ के मुकाबले में सनराइज़र्स हैदराबाद उस अंदाज में बल्लेबाजी नहीं कर पाई, वह स्कोर नहीं बना पाई और नतीजतन प्लेऑफ के मुकाबले हार गए। बस क्वालिफायर 2 मुकाबला जीता, क्वालिफायर 1 भी हैदराबाद हारी, फाइनल मुकाबले में भी केकेआर से हारी, दोनों क्वालिफायर के मुकाबले में केकेआर से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद आ जाते हैं आरसीबी के ऊपर। आरसीबी जो कि लगातार मुकाबला हारते जा रही थी, स्टार्टिंग के 8 मुकाबले में महज 1 मुकाबला जीती थी, लेकिन इसके बाद जो मुकाबले जीते हैं भाई साहब क्या कहने, उसके दम पर लगातार मुकाबले जीत करके आरसीबी ने प्लेऑफ तक का सफर किया। लेकिन हालांकि किस्मत अच्छी नहीं रही, एलिमिनेटर मुकाबला आरसीबी हार गई, लेकिन आरसीबी के पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं कि यह सीजन ठीक ठाक था।
जिस पॉइंट्स के साथ आरसीबी प्लेऑफ में क्वालिफाई की, सिर्फ आरसीबी के पास ही नहीं, आरसीबी के अलावा सीएसके, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ, तीनों के पास सेम पॉइंट्स थे, लेकिन हालांकि आरसीबी रन रेट में अच्छी थी इसलिए प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई। और सबसे ख़राब जो इस साल सीजन रहा वो आप मुंबई इंडियंस का कह सकते हैं। गुटबाजी भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा कारण है, क्योंकि दो खेमा बट गया था, एक रोहित शर्मा एक हार्दिक पांड्या का खेमा, यह बड़ा कारण था कि खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर काफ़ी असर पड़ा। वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स का भी यह सीज़न काफ़ी ख़राब रहा। तो चलिए अब कुछ कंट्रोवर्सी पर जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लीजिए विराट कोहली और गौतम गंभीर के बारे में, जो कि बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहा। बता दी कि विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच हमेशा एक टनफिस देखने को मिलता है, और जब भी दोनों खिलाड़ी की टीमें आपस में आमने सामने होती है तो कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ देखने को मिलती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और पहली बार दोनों को गले लगते देखा गया, हाथ मिलाते देखा गया, यानी कि एक बड़ा दोस्ती वाला माहौल था। इसके अलावा एक बड़ी कंट्रोवर्सी मुंबई इंडियंस के खेमे से रही। जैसा कि आपको पता है कि गुजरात टाइटंस की तरफ से पिछले साल हार्दिक पांड्या ने खेला था, लेकिन इस बार ट्रेड होकर मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए थे, और हार्दिक पांड्या ने शर्त रखा था कि वह मुंबई इंडियंस तभी आएंगे जब उन्हें कप्तान बनाया जाएगा, और शर्त के मुताबिक उन्हें कप्तान बनाया भी गया। लेकिन इसके बाद से दो खेमा बट गया, चाहे वह मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट को लेकर के हो, चाहे फैंस को लेकर के हो। एक फैंस जो मुंबई इंडियंस को गरियाते हुए देखे गई, वहीं दूसरा फैंस जो कि मुंबई इंडियंस को सपोर्ट कर रही थी। हालांकि इस बीच हार्दिक पांड्या को काफ़ी ट्रॉल किया गया, बात इतना बढ़ गया कि हार्दिक पांड्या जब भी स्टेडियम के अंदर आते थे, चाहे वो टॉस करने आए, चाहे वो बल्लेबाजी करने आए, चाहे गेंदबाजी करने आए, चाहे फील्डिंग करने आए, फैंस ने उन्हें बड़ा परेशान किया, चिढ़ाते थे। एक और बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी रहा केएल राहुल, और केएल राहुल जिस फ्रेंचाइजी से खेलते हैं, यानी कि लखनऊ सुपर जॉइंट्स के ओनर संजय गोएनका के बीच में। बता दें कि जब केएल राहुल की टीम यानी कि लखनऊ सुपर जॉइंट्स जब हार गई थी मुकाबला, तब संजय गोएनका बड़े ही गलत तरीके से केएल राहुल से बात करते हुए देखे गए, गुस्सा हो रहे थे केएल राहुल के ऊपर, आप साफ देख सकते हैं वीडियो। ऐसे में इस घटने ने इंटरनेट पर बड़ा बवाल काट दिया था और लोग बड़ा संजय गोएनका को ट्रॉल करते हुए देखे जा रहे थे। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी जो कि लेटेस्ट में घटी है, वह स्टार स्पोर्ट्स और रोहित शर्मा के बीच को लेकर है। बता दी कि रोहित शर्मा कुछ बातें कर रहे थे तो वो हाथ जोड़ करके स्टार स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स को रिकॉर्ड न करने को लेकर के बोलते हैं, और खास करके ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मना करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि खास करके इसी वीडियो में, इसी ऑडियो में रोहित शर्मा बोले जाते हैं कि पहले से ही एक ऑडियो ने जीना हराम करके रख दिया है, ऐसे में प्लीज़ यार ऑडियो को रिकॉर्ड मत करो। इसके बावजूद भी स्टार स्पोर्ट्स वाले ने ऑडियो को रिकॉर्ड भी किया और उसे ब्रॉडकास्ट भी किया। इसके बाद रोहित शर्मा ट्विटर पर एक पोस्ट करते हैं और बड़ी बातें सुनाते हैं स्टार स्पोर्ट्स के ब्रॉडकास्टर्स वालों को लेकर के। बाद में स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से भी सफाई दी जाती है, लेकिन साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से स्टार स्पोर्ट्स ने यहां गलती की थी। इसके अलावा अगर कुछ बड़ी खबरों के बारे में बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी का यह आखिरी IPL हो। इसके अलावा ऋषभ पंत जो इस मुकाबले में देखे गए, पिछले दो साल से यानी कि दो सीजन से IPL से बाहर थे, यानी कि 17 महीने बाद ऋषभ पंत IPL में वापसी कर रहे थे। इस दौरान ऋषभ पंत का प्रदर्शन भी अच्छा रहा था, कप्तानी के तौर पर भी ऋषभ पंत ने अच्छा प्रदर्शन किया। शुरुआत के मैचों में भले ही खराब रहे, लेकिन आखिर में एक अच्छी लय में देखे गए। वहीं दूसरी ओर शुरुआत में ही हमें देखने को मिला कि एक जोड़ी, जो कप्तानों की जोड़ी देखने को मिलती थी, चाहे वो विराट कोहली हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, रोहित शर्मा हो, लेकिन इस बार यह तीनों ही बतौर कप्तान नहीं थे और नए प्लेयर्स दिखाई दिए, यानी कि आप एक एंड ऑफ द एरा कह सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। इसके अलावा हम आपको बता दें कि चार टीमें जो कि प्लेऑफ तक का सफ़र की थी, वह KKR रही थी, सनराइज हैदराबाद रही थी, राजस्थान रॉयल्स रही थी और RCB रही थी। अगर एलिमिनेटर और क्वालिफायर मुकाबले के बारे में आपको बताएं तो आपको बता दें कि एलिमिनेटर मुकाबला जो कि राजस्थान रॉयल्स और RCB के बीच में खेला गया था, एलिमिनेटर मुकाबला RCB हार गई थी, राजस्थान रॉयल्स जीती थी। वहीं क्वालिफायर वन मुकाबला जो कि पहले और दूसरे पोजीशन में रह रहे टीमों यानी कि KKR और सनराइज हैदराबाद के बीच में खेला गया था, यह मुकाबला जीतकर KKR सीधे फाइनल तक पहुंच गई थी। वहीं हैदराबाद फिर क्वालिफायर टू खेली थी एलिमिनेटर से जीतने वाली टीम यानी कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, यानी कि क्वालिफायर टू हमें देखने को मिला राजस्थान रॉयल्स और सनराइज हैदराबाद के बीच में। यह मुकाबला भी हैदराबाद जीत गई थी, यानी कि एक बार फिर हैदराबाद और KKR की टक्कर फाइनल में होने वाली थी, यह मुकाबला भी KKR ने जीत लिया था और KKR तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। तो दोस्तों ये रही IPL 2024 से जुड़ी कुछ न्यूज़ जो कि हो सकता है कि आपको जानने चाहिए, और कई ऐसे बड़े न्यूज़ है जो कि छूट गए। अगर यह वीडियो या फॉर्मेट आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसका पार्ट टू भी हम लाएंगे। और आपको अन्य बाकी न्यूज़ जो कि IPL 2024 में घटी, जो कि
इंटरनेट पर जो बड़ा बवाल काटा वैसी न्यूज आपको हम बताएंगे। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप इसका पार्ट टू देखना चाहते हो तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, धन्यवाद।